हम सब जीवन में प्रेम की अपेक्षा ही करते रह जाते हैं। कोई हमें प्रेम दे, हमेशा इसकी हमें ज़रूरत ही रहती है। पर हम में से कितने लोग ये मानते हैं कि ये प्रेम हमारे अंदर सदा से ही था। अगर हम अपने आसपास के वातावरण से प्रेम महसूस नहीं कर पा रहे तो गलती उनमें नहीं है, गलती हम में है। जब हम अपने आप से ही जुड़े नहीं रहते, जब हम स्वयं को ही प्रेम नहीं करते, तो हमें हमारे जीवन में सब हमारे विपरीत जाते हुए महसूस होते हैं। हमें लगता है कि सब हमारे खिलाफ ही खड़े हैं, मगर असल में हम प्रेम के अभाव में होते हैं। हम अंदर से खोखले होते हैं, और जब हमारे अंदर वो संपूर्णता हमें महसूस नहीं होती तो कोई हमें कितना ही प्रेम दे, हमें उसमें भी कमी लगती है। ज़रूरत हमारे लिए है कि हमारे अंदर वो प्रेम खुद ही इतना ज़्यादा भर जाए, इस तरह से बाहर बहने लगे कि हम दूसरों के लिए उस प्रेम का स्रोत बने। जब तक हम दूसरों से अपेक्षा करेंगे, हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमें स्वयं ही उसका सरोवर बनना है, और उसके लिए ज़रूरी है उस संपूर्णता को स्वयं में, अपने अकेलेपन में महसूस करने की। ये जो भाव है जिसमें हमें कमी महसूस होती है, चाहे प्रेम की चाहे काबिलियत की, वो हमारे अंतर्मन की एक खामी है। हमें कहीं ना कहीं कभी ऐसा महसूस ज़रूर हुआ होगा कि हम उस प्रेम के काबिल नहीं हैं, तो पूरे जीवन में हम उसी तक पहुंचने की मशक्क़त में लगे रहते हैं और पहुंच हम कहीं नहीं पाते। दरअसल वो हमेशा यहीं इसी जगह हमारे अंदर ही समाया रहता है। तो स्वयं को प्रेम का स्रोत बना लो, स्वयं ही लोग आपको हर हरकत में, हर काम में प्रेम देंगे। उसके लिए अपने आप को हम एक शांत स्थिति में ले जाते हैं और अपने आप से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अपने शरीर को शांत करने के लिए ध्यान में बैठ जाइए। कमर को सीधी रखें, हथेलियों को ऊपर की तरफ खोल के रखें, आंखें बंद कर लें, चेहरे पर मुस्कान ले आएं और अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर और अपने अंतर्मन पर ले जाएं। एक लंबी गहरी सांस भरें और इस सांस को रोक लें, और अब सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर से सारे तनाव को बाहर जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को ढीला छोड़ दें, अपने हाथों को ढीला छोड़ दें, कमर को ढीला छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, और रोकने के बाद अब इस सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने मस्तिष्क को हल्का होने दीजिए, आँखों को और गहरी तरह से बंद होने दीजिए, गर्दन को ढीला छोड़ दें। किसी भी तरह का तनाव, दुख शरीर में हो तो उसे सांस के साथ बाहर जाने दें। हर सांस के साथ देखिए कि वो सारे विचार जो आपको कमी का एहसास दिलाते हों, आपके शरीर से दूर जाते जा रहे हैं। इनको अपने आप से दूर करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। जब हम पैदा हुए थे, हम पूरी तरह संपूर्ण थे। हमें कितने खुले दिल से हर कोई चाहता था, प्रेम देता था, उस भावना को याद कीजिए। सृष्टि ने कुछ तो सोचा होगा जो आपको इसमें प्रकट किया, पैदा किया। आपके जीवन का कुछ तो महत्व होगा जो शायद आप भूल गए हैं, क्योंकि दूसरों ने आपको कम महसूस करवाया, दूसरों ने आपकी गलतियां आपको ज़्यादा दिखाई। लेकिन अब वक्त है अपने आप को पहचानने का, अपने ऊपर उस प्रेम को महसूस करने का जो उस परमात्मा ने
आपको शुरू से दिया था। ध्यान कीजिए अपनी उन सारी काबिलियत का जो आपके साथ बचपन से है, अपने उस निर्मल मन का जो सबसे पहले दूसरों के बारे में ज़रूर सोचता था, पर परिस्थितियों के कारण वो बदलता गया। उन सारी परिस्थितियों से परे होकर वापस उस पल में आए जब आप पूरी तरह मासूम और शांत थे। अपने उस बचपन के अवतार से मिलिए और उसकी आंखों में देखिए कितनी मासूमियत है, कितना प्रेम है। उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए और उसे गले लगाइए। उसको बताइए कि उसका जीवन वो नहीं जो आप हीनता से आज जी रहे हैं। उसको समझाइए कि उसके जीवन में वो कुछ भी हासिल कर सकता है। भले ही जीवन में काफ़ी मुश्किलें आएं, पर उसके पास वो समझ, वो ज्ञान ज़रूर है कि वो उन सब परिस्थितियों को देखकर उनसे ऊपर उठ सकता है। आज अपने इस वर्तमान रूप से अपने उस अतीत के बचपन को समझाइए कि ऐसी क्या क्या चीज़ें वो छोड़ सकता है, किन चीज़ों से वो बच सकता है, किन परिस्थितियों में वो किस तरह से अलग होकर पेश आ सकता है जिससे उसका जीवन कुछ और बन सके। उस मासूम से बच्चे को अब अपने गले से लगा के अपने इस वर्तमान में ले आइए। अपनी आंखों के अंदर अब वही मासूमियत महसूस कीजिए। अपने अंतर मन में अपनी एक छवि देखिए। क्या चीजें आप हासिल करना चाहते हैं, अपना ध्यान उस तरफ केंद्रित कीजिए। इसे हासिल करने के लिए आपके अंदर क्या शक्ति पहले से ही है, उससे वाकिफ होने के लिए अपने मन को खोल लीजिए। कुछ पल शांत रह के परमात्मा को अब आपसे बात करने दीजिए, आपके अंतर मन को अपने आप से बात करने दीजिए। ऐसे क्या तौर तरीके आप अपने जीवन में अपना सकते हैं जिससे आप अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकें और एक खूबसूरत जीवन की रचना कर सकें। कुछ पल इस शांत स्थिति में रहिए और प्रकृति से संसार के सारे जवाब, सारा ज्ञान अपने तक आने दीजिए। इस शांत स्थिति में ही हमारा अंतर्मन हमारा मार्गदर्शन करता है, और आप जब भी चाहें आप इस स्थिति में दोबारा लौटकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब धीरे धीरे हम इस ज्ञान, इस विवेक को अपने अंदर समेटकर वापस आएंगे, इसका पूरा फायदा अपने जीवन में लेकर आएंगे। धीरे से अपने शरीर में वापस आते हुए सारी ऊर्जा को महसूस करिए अपने शरीर के अंदर और बाहर, और अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर रखते हुए धीरे से इन आँखों को खोलिए। और स्वागत है आपका